आइए सर, यहाँ पे खड़ा होना है आपको, यहाँ पे आ जाएंगे. दैट्स वन, इधर टू, थ्री, फोर. थैंक यू. ओके, वन टू थ्री. बहुत ही सिंपल टास्क है. एक एक करके मैं आपके पास आऊंगी. माइक पे मैं आपका नाम पूछूंगी. नाम पूछने के बाद मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर चार बॉल्स है, टेबल टेनिस जो खेलते ना, टेबल टेनिस खेलने के बॉल्स है छोटे. तो मैं आपके पास आऊंगी, माइक पे आपका नाम पूछूंगी. माइक पे मुझे आप अपना नाम बताएंगे, आप अपना हाथ बैग के अंदर डालेंगे, चार बॉल से उसे मिक्स कर दीजिए. मिक्स करने के बाद कोई भी एक बॉल आप अपने हाथ में उठा के अपना हाथ पीछे कर देंगे. वो बॉल का रंग आपको नहीं देखना, ऑडियंस को नहीं दिखाना, मुझे तो कत्ते ही नहीं दिखाना. ठीक है? ओके, एक एक स्टेप दूर हो जाएंगे थोड़ा, वन वन स्टेप अफार. ओके, ग्रेट. तो बहुत सिंपल टास्क है, और चेक भी कर लीजिए कि अंदर चार है, ऐसे कोई चीटिंग नहीं है. वैसे आप डालोगे अपना हाथ, पता तो भरोसा ही नहीं है मेरे पे इनको. बाद नहीं, ऑडियंस को दिखाना नहीं, बाद में दिखाएंगे, है ना? ठीक है सर, आपका नाम? राजू. राजू जी, कोई भी एक मिक्स कर लीजिए, कोई भी एक बॉल अपने हाथ में छुपा के हाथ पीछे कर दीजिए. सर आपका नाम? राजेंद्र. राजू, राजेंद्र. ठीक है, तीन बॉल अंदर होने चाहिए, उन्होंने एक ले लिया है, कोई भी एक लेके ले. ओके सर, क्या नाम है आपका? सौरज. बसवराज जी, अंदर दो बॉल होने चाहिए, मिक्स कर दीजिए दोनों, कोई भी एक अपने हाथ में ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो. सर क्या नाम है आपका? मोमिन. मामा जी, ये बैग ही ले लो, अंदर एक ही बॉल है. Now, सबके हाथ में एक एक बॉल, बैग के अंदर चार बॉल थे, इन्होंने चेक भी किया. इंटरेस्टिंग बात यह है, इनमें से तीन लोगों के पास सफेद रंग का बॉल है और सिर्फ एक जन के पास काले रंग का बॉल है, क्योंकि बैग में वही था. अभी हम में से किसी को भी नहीं पता, आपको, मुझे या इनको खुद को भी नहीं पता कि वो कौन सा एक व्यक्ति है जिसके पास काले रंग का बॉल है. ठीक है, तो अभी मैं तीन तक गिनूंगी. जैसे ही मैं तीन गिनूं, आप ऐसे पीछे हो जाना, जल्दी से वो बॉल का रंग देख लेना और उसके बाद वापस सीधे हो जाना. ठीक है, फिर बॉल को पॉकेट में डाल के छुपा दो. अगर आपको पता चले कि आप वो एक व्यक्ति है जिसके पास काले रंग का बॉल है, तो ऐसे, मतलब कूदना नहीं है, नाचना नहीं है, ऐसे बेहोश मत हो जाना. मतलब आपके हाव भाव से पता नहीं चलना चाहिए कि आप ही वो एक व्यक्ति है जिसके पास काले रंग का बॉल है. ठीक है, ऐसे पोकर फेस बोलते हैं ना, देखो बसरवाजी कुंगा जैसे पोकर फेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं. ठीक है, क्लियर? तो वन टू थ्री, टर्न हो जाइए, जल्दी से बॉल का रंग देख लीजिए और फिर बॉल को छुपा दीजिए, किसी और को दिखाइएगा मत. देख लिया? देख भी लिया? आप लोग क्या कर रहे थे इतनी देर? क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ा अभी यहां पर. चलो ठीक है. ओके, बॉल को पॉकेट में छुपा दीजिए ताकि आपके हाथ फ्री हो जाए, एंड लेट्स स्टार्ट द गेम. ये कहां गए? ध्यान से सुनिए क्या करना है. एक एक करके मैं आपको आगे बुलाऊंगी और आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, कुछ सवाल. ठीक है, आप मुझे सच सच जवाब देंगे. उसके बाद मैं आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन पूछूंगी, टेस्ट सवाल. मेरे टेस्ट सवाल का जवाब, अगर आपके पास सफेद रंग का बॉल है तो आप मेरे सवाल का जवाब झूठ देंगे. सफेद बॉल, सफेद झूठ. अगर आपके पास काले रंग का बॉल है तो आप मेरे सवाल का जवाब सच देंगे. काला बॉल, काला सच. क्लियर? मेरा काम है इन चार में से उस एक व्यक्ति को ढूंढना जो सच बोलने वाला है, जिसके पास काले रंग का बॉल है. ठीक है, समझ पड़ा सबको? क्लियर. सर आगे आ जाएंगे. राजू, राइट? ओके, म्यूजिक बंद कर देंगे. तो हमें आपका नाम पता है, फिर भी एक बार फिर से आप माइक पे बताएंगे. राजू. परफेक्ट. और आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? ऋतिक रोशन. ठीक है, देखा आपने, इन्होंने कितनी जल्दी जवाब दिया मेरे सवाल खत्म होने से पहले. राजू, ऋतिक रोशन, कितनी जल्दी जवाब दिया. करेक्ट. क्यों? क्योंकि ये सच बोल रहे हैं. उन्होंने कोई प्रोसेस नहीं करा, इंफॉर्मेशन कुछ सोचा नहीं, बोल दिया फट फट फट, क्योंकि सच बोल रहे हैं. ठीक है, अब आता है टेस्ट सवाल. अब जो भी सवाल मैं आपको पूछूंगी उसका जवाब, अगर आपके पास सफेद बॉल है तो आप झूठ देंगे, और अगर आपके पास काला बॉल है तो सच देंगे. क्या आप तैयार है? ठीक है, माइक पे बोलना है, सामने देखना है. राजू जी, एक दो तीन, सामने देखेंगे. आपका जन्मदिन कब है? रहन दीजिए.
छोड़ दो चलेगा, डेढ़ दिन सब छोड़ दो। सच बोलने वाले थे या झूठ? आप बताइए, सच बोलने वाले थे या झूठ? सर सफेद बॉल दे दो यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीट पर आने के लिए। जोरदार ताली हो जाए राजू के लिए। यहाँ पर पता चला, मतलब इंसान को जब सच बोलना होता है ना, फटफट फटफट निकलता है। जैसे ही झूठ बोला उनको प्रोसेस करनी पड़ी इंफॉर्मेशन, तो वो ब्रेक आ गया मतलब पकड़े गए। सेम चीज है आप तीनों के साथ होने वाली है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा आसान करने वाली हूं। राजू जी के लिए क्या हुआ, मतलब तुरंत सवाल पूछा, तुरंत सोचना पड़ा तो पकड़े गए। आपके लिए हम तुरंत नहीं रखेंगे। आपका जो टेस्ट सवाल है वो मैं आपको अभी से बता रही हूं। आप तीनों का टेस्ट सवाल सेम है कि आपका जन्मदिन कब है। तो आपको आना है, और अगर आपके पास सफेद बोले तो झूठ बोल दीजिए, अच्छी से कोई तारीख कोई दोस्त वोस्त की बोल दीजिए ताकि कन्विंसिंग लगे, और अगर काला बोले तो सच बोलना है। ठीक है, क्लियर? राजेंद्र जी माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। हमें आपका नाम पता है लेकिन फिर भी आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। यार इनको देखा आपने? इनको देखा आपने ऐसे टहल के आ रहे थे ऐसे? देखा ना? अब मैं आपको बताती हूँ क्यों टहल के आ रहे थे। इनके कंधे ऐसे थोड़े झुके, ऐसे थोड़ा शरीर ढीला, देखा ना, सबने देखा। ऐसा पता है कब होता है? ऐसा कब होता है? जब इंसान के ऊपर कोई बोझ होता है ना? बोझ, कोई बोझ है सर आप पे? टेंशन है? नहीं है। इनको टेंशन हो रहा है कि अच्छा मुझे क्या बोलने का है, कैसे बोलने का है, अच्छा झूठ बोलने का है तो मैं कैसे जवाब दूंगा, ये वो। पता है सर मैं आपसे सवाल भी नहीं पूछने वाली, आप सफेद बॉल दे दो, दे दो। That's the second white ball, ऐसे चले जोरदार ताली हो जाए राजेंद्र जी के लिए यहाँ पर। बस अब आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, जो फोटो खिंचवानी है। ओके बस अब राजी, रेडी आप दोनों? आप दोनों को पता है क्या करना है भाई, इनकी फोटो ले लेना कोई। हाँ सर आप आगे आ जाओ। ठीक है, रेडी है आप? आपसे कोई इधर उधर का सवाल नहीं, सीधा टेस्ट सवाल पूछूंगी, आपको जवाब देना है, कॉन्फिडेंस से देना, लेकिन सच झूठ जो भी बोलना है सच एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना। ठीक है, ओके सामने देखेंगे। बस राजी आपका जन्मदिन कब है? 22/7/76। देखो जितनी स्फूर्ति से उन्होंने कॉन्फिडेंस से बोला उसके दो कारण है, या तो ये बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड थे कि मुझे यही जवाब देना है, पॉइंट है ये माइक आगे रखना भूल गए, वो होता है नर्वसनेस। अब नर्वसनेस दो तरीके की होती है, या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो ये स्टेज फियर है, कोई भी हो सकता है। तो सर आपको थोड़ा पीछे कर देते हैं, माइक उनको दे दीजिए, आ जाइए आगे। सर क्या नाम बता? मोहम्मद, राइट, आ जाइए। सेम चीज, तैयार है आप? सीधा जवाब देना, ऑडियंस में देखेंगे वहां पर। 1, 2, 3, आपका जन्मदिन कब है? When is your birth date? 16 जून, 16 जून। नहीं, that is okay. मुझे शायद जवाब पता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगी यहाँ पर। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ आपको, किसी को पकड़ना हो झूठ तो, जब इंसान झूठ बोल रहा होता है ना, इससे पहले कहीं देखता है, और झूठ बोलने के बाद तुरंत ही सामने वाले को देखता है कि मेरा झूठ पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। घर पे भी ध्यान देना, और मैंने दोहराने को बोला था, इन्होंने पता है दो बार बोला, पहले बोला 16 जून फिर बोला वापस 16 जून, दोहराने को बोला था नहीं। इंसान दोहराता कब है? जब खुद को ही भरोसा नहीं होता। लेकिन मेरे को बहुत स्ट्रांग है कि आप झूठ बोल रहे हो आप सच बोल, लेकिन फिर भी क्योंकि इनका मुझे रिस्क है, एक काम कर सर आप यहाँ पर आ जाएंगे, बस अवराज एंड मोहम्मद माइक दे देंगे। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए और सच सच बताइए। आपको पता है आप किस समय पैदा हुए थे, टाइम ऑफ बर्थ पता है? जवाब मत दो, हाँ या ना बताओ, पता या नहीं पता है? पता है। ओके, आपको पता है किस समय पैदा हुए थे? हाँ, पता है। ग्रेट, एक काम करते हैं, सवाल बदल रही हूँ आप दोनों के लिए। मेरा सवाल है कि आप किस समय पैदा हुए थे, और इस बार जवाब आपको माइक पे नहीं देना है, जवाब सिर्फ अपने मन में लगातार दोहराते रहना है। ठीक है, अब दोनों सीधे खड़े होंगे, अगर आपका बॉल पॉकेट के अंदर है तो फिर दोनों हाथ साइड में कर दीजिए, और पीछे कहीं देखना है, किसी एक व्यक्ति को मत देखिए डर जाएंगे, ऐसे पीछे कहीं रैंडमनेस में देखना है आपको, और जवाब आपको अपने मन में लगातार दोहराते रहना है। सिर्फ एक ट्विस्ट है, इस बार फिर से
काला बॉल है तो सही समय सोचना है, सफेद बॉल है तो गलत समय सोचना है। अगर मन में भी गलत या सही सोच रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाएगा। तो थोड़ा सा म्यूजिक बजाएंगे, 1 2 3। आप कितनी बजे पैदा हुए थे मन में दोहराते रहिए। अगर इफ आई एम वाइज इनफ इन वॉट आई डू, अगर मेरा अनुभव सही है, मेरा एक्सपीरियंस सही है, तो आप दोनों सामने देखेंगे, मुझे मत देखिए, चीटिंग नहीं करते। मेरे हिसाब से ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और ये व्यक्ति सच बोल रहा है, यानी इनके पास सफेद रंग का बॉल है और इनके पास काले रंग का बॉल है। ये करना, अच्छा रुको नहीं, एक सेकेंड पेशेंस, ये करना इतना आसान नहीं है जितना आपको ऑडियंस में बैठ के लग रहा है। इसलिए अगर ये सही आता है ना तो जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे लिए, ठीक है? जिनके पास काले रंग का बॉल है उनसे निवेदन है कि वे वो काले रंग का बॉल अभी यहां मेरे हाथ में रख दें। सर क्या सही झूठ बोलते हो आप? थैंक यू सो मच। लेकिन एक बार स्टेज पर रुकेंगे, थैंक यू सो मच, बॉल, हाँ थैंक यू सो मच, ऑडियंस को दिखा देते एक बार। यस यस, वाइट वाइट।